दोस्तों पार्ट वन में आपने देखा था कि जो अमीर लड़की थी उसने उस मॉल से एक स्कार्फ चोरी की, लेकिन चोरी करते वक्त उस मॉल की एक लड़की ने उसको देख लिया था। मॉल की लड़की को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इतनी अमीर घर की लड़की है और उसने ऐसी हरकत की। अमीर लड़की ने उस मॉल की लड़की को देख लिया था क्योंकि जब वो चोरी कर रही थी वो उसकी तरफ ही देख रही थी। अमीर लड़की ने अपने बैग से स्कारलेट के ऊपर एक मारा क्योंकि उसको ये पसंद नहीं आ रहा था। स्कारलेट उस लड़की का नाम था। अमीर लड़की फिर से मारने वाली थी तभी स्टोर का मैनेजर आ गया था और उसका बॉडीगार्ड भी वहां आ गया था। फिर क्या था, उसने कुछ किया नहीं। स्कारलेट ये सब देख रही थी कि कैसे अमीर घर की लड़की ऐसी हरकत कर सकती है। फिर क्या था, वो अपने मैनेजर को बोलने वाली थी लेकिन मैनेजर बहुत खुश नजर आ रहा था क्योंकि अमीर घर की लड़की उसके यहाँ पे शॉपिंग करने आई थी। बॉडीगार्ड ने एक्चुअली देख लिया था कि जो लड़की थी उसने चोरी किया था और उसके फादर का बेइज्जती ना हो इसलिए वो स्टोर मैनेजर के पास गया और उसके मॉल पे मिलने वाले सब सामान को उसने परचेस कर लिया था और मॉल की वो लड़की ये सब देख रही थी। बॉडीगार्ड ने अपना एटीएम निकाला और मैनेजर को दे दिया। मैनेजर ने उस लड़की को दिया और सारा सामान पैक करवा दिया। इधर जो स्कार्फ अमीर लड़की ने चोरी की थी उसने गाड़ी से उसको फेंक दिया था।